हाय पाला, सारी लड़कियां इन पे लाइन मार लीजिए अभी से, क्योंकि ये मिसेज इंडिया का ब्यूटी पेजेंट चलाती हैं। यस, पहले तो आप इतनी ब्यूटीफुल खुद से हैं, आपने खुद से नहीं सोचा अपने पेजेंट में खुद से आ जाए? क्या करें, नहीं हम तो ऑलरेडी 2016 में मैं ऑलरेडी विनर रह चुकी हूँ। वाओ, और अब ऐसा होता है कि जब मैं ऑडिशंस लेने जाती हूँ, जब मैं सेमीफिनाले करती हूँ, मेरी कंटेस्टेंट्स को देख के इन्होंने इतना बेंचमार्क हाई सेट किया है तो सवाल ही नहीं है। हर दिन खुद को देख के पूरी कोशिश करनी पड़ती है कहीं मैं कम ना रह जाऊँ इनके बीच में। बट मेरी ब्यूटी पेजेंट वालों से एक ही वो रहती है शिकायत की हाइट का इतना ज्यादा क्राइटेरिया होता है ना, कि छोटी लड़कियां जो है ना, वी फील वेरी बैड कि व्हाट इज दिस। बट आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात होती है मोनी जी, सो कहीं ना कहीं ब्यूटी पेजेंट्स को सुनकर लोगों को लगता है कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, सो व्हाट इज योर दिस थिंग अबाउट इट? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? जब नारी, जब औरत अपने खुद के निर्णय ले सके, मेरे हिसाब से मुझे लगता है व्हेन यू आर केपेबल एनफ टू टेक योर ओन डिसीजंस, यू फील यू आर एम्पावर्ड। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, आप इंडिपेंडेंट है। एंड ब्यूटी पेजेंट में आने का एक निर्णय औरत खुद लेती है। हाँ। और इंडिया में आपको पता है इट्स नॉट वेरी इजी फॉर अ मैरिड वुमन टू गो आउट टू ब्यूटी पेजेंट, यू टेक सच डिसीजन। और जब कोई ये डिसीजन लेता है, जब कोई औरत ब्यूटी पेजेंट में आने का डिसीजन, she has empowered herself, or if even if she has not, but she has taken that first step at least. So yes, I feel beauty pageant is playing a major role. Mrs. India INC is playing a major role in this whole scenario of women empowerment. Pure 10 out of 10 wala questions aaye. I attended Mrs. India finale, wahan pe pucha bhi gaya tha, but aapne kya jawab diya? Main aapko 11 number deti hu. Thank you. To women empowerment ki baat kare to women jo Mrs. India Runner Up Urmimala Boruah, congratulations. Thank you so much. Thank you so much for coming here. Yeah. आप अभी ये कंटेस्ट में इतना आगे पहुंच गई हैं और आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी मिसेस गैलेक्सी में। अब आप गैलेक्सी की सुंदरता में जाने वाले हो। How are you feeling? I'm feeling very very excited. बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। At the same time मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील कर रही हूँ अपने देश को लेके, क्योंकि इस बार मैं खुद को नहीं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मिसेस इंडिया इंक को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड एंड डेफिनेटली हम अच्छा करेंगे वहाँ जाके। बिल्कुल। Radio City 91.1 पर दिस इज पलक सिटी बस में आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ मिसेस इंडिया इंक से मोहिनी एंड द विनर जो अब मिसेस गैलेक्सी में जाने वाली हैं उर्मी जी बैठी हैं। सो उर्मी, पूरा आपका जो जर्नी था यहाँ तक आने का उसके बारे में बताइए, लाइक आपको खुद का आइडिया था, आपके घर वालों ने आपको पुश किया, व्हेन डिड यू थिंक अबाउट इट? ये एक्चुअली मेरे बचपन का सपना था, क्योंकि मैं बचपन में बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, तो जब मैं ऐश्वर्या, हाँ, जब मैं ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन को देखती थी तो मेरा भी बड़ा मन करता था कि कभी मैं भी ब्यूटी क्वीन बनूँ। आई थिंक ये 50-60 करोड़ जितनी महिलाएं हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई 18 ईयर्स में, फिर 19 में मेरा बच्चा हो गया, तो ये सपना तो हमेशा रहे, जो सपना, हाँ डेफिनेटली, तो ये सपना वैसे का वैसे ही रह गया। उसके बाद मैंने अपने मन में ठाना कि आई शुड डेफिनेटली वर्क आउट ऑन माई बॉडी एंड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी सोलफुल जर्नी ऑफ लूजिंग फ्रॉम बिकमिंग 100 किलो ओवरवेट वुमेन टू अ 50 किलो फिटनेस फ्री। 100 किलो, या सो उसके बाद मुझे मौका मिला मिसेज इंडिया में आने का, और मेरा मोटिव यही था कि मैं अपनी जैसी जितनी भी औरतें हैं उनको सबको इंस्पायर करूँ, सो दैट दे लव देम सेल्फ, दे केयर फॉर देम सेल्फ एंड दे वैल्यू देम सेल्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिकॉज इफ वी वुमेन डू नॉट वैल्यू आवर सेल्फ, वी कैनॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू वैल्यू अस। क्या बात है। आप मोहिनी जी, यू गो फॉर ऑडिशंस एंड, तो आप किस, क्या ढूंढती क्या है? क्योंकि मैंने मिसेस इंडिया इंक में बहुत ही कमाल की बात देखी कि उसमें साइज शेप्स ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुत स्किनी लड़कियां थी, ऐसा नहीं कि एकदम फेयर लड़कियां थी, लाइक वुमेन फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, हाउसवाइव्स। सो आप क्या देखते हैं जब आप जाते हैं ऑडिशंस करने के लिए? सो अच्छा, आपने ये कहा कि आपने हर टाइप की औरतें देखी, तो आप ये मत बोलना कि छोटी लड़कियों को भी ले लो। आई विल कम बैक टू योर पॉइंट वन। सो हम ये देखते हैं, ये जो विनर यहाँ पे बैठी है, हम ये कहानी देखते हैं, हम ये स्टोरी देखते हैं, हम ये इंस्पिरेशन देखते हैं। हमेशा मैं मेरी कंटेस्टेंट्स को यही बात बोलती हूँ, वी आर नॉट लुकिंग फॉर मॉडल्स, वी आर लुकिंग फॉर रोल मॉडल्स। वाओ, द वन हु कैन सेट द बेंचमार्क, आई स्टार्टेड विद इट विद देयर ब्यूटी, द वन हु स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्माइल विद हर हैप्पीनेस, विद हर गुडनेस आई वुड से,
क्योंकि हमें खुश रहने के लिए कभी कभी वजह की जरूरत नहीं होती, हम यूं ही खुश रह सकते हैं. और अगर किसी का प्रेजेंस किसी बच्चे को भी मुस्कुराहट दे सकता है, किसी बूढ़े को भी मुस्कुराहट दे सकता है, उस प्रेजेंस की खोज में हम रहते हैं. सो वी डोंट नीड समवन हु हैज लाइक दैट परफेक्ट फिगर या फिर परफेक्ट आईज या फिर परफेक्ट लेग्स, बट वी आर लुकिंग फॉर दैट ब्यूटिफुल पैकेज. क्या बात है. बट अभी बहुत सारी महिलाएं जो हमें सुन रही हैं एंड दे हैव गॉट इंस्पायर्ड बाय उर्मी और दे वांट टू पार्टिसिपेट नेक्स्ट ईयर, हाउ डू दे डू इट एंड क्या उनको सलाह देना चाहोगे? सो पहले तो आप खुद से प्यार करना शुरू करो. ये आपका स्टेज सेल्फ लव, दिस इज योर स्टेप वन, दिस इज योर स्टेज वन. बी कॉन्फिडेंट बिकॉज वंस यू डिसाइड और इवन इफ यू आर थिंकिंग ऑफ इट, यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. इट्स अ बिग डिसीजन, नॉट फॉर अस, नॉट फॉर द मीडिया, नॉट फॉर द टीवी, बट फॉर योर सेल्फ. And yes, then the whole procedure starts. You can visit our website www.mrsindiainc.org. Yeah. We are also there on Facebook, Mrs. India World. So you can visit our website, you can register yourself and you'll soon receive a message. Aapke city mein, aapke shahar mein kahan audition ho raha hai. Aur aapne audition mein aap audition dene aa jaiye. Bilkul. So all the ladies, abhi se hi taiyari shuru kar do. Phir aap bhi mere saamne baithe honge yahan par interview dene ke liye. So the Radio City 91.1 in conversation with Mohini and Urmi. Banungi main Mrs. India. Urmi ji, आपकी जो कहानी है, मैंने डेल्टे में जब आपके साथ बात कर रही थी, मैंने जाना आपको और आपकी कहानी बहुत इंस्पायर है, मुझे तो बहुत टच की. तो मैं चाहती हूँ जो मेरे सारे लिसनर्स हैं, जो सारी लेडीज हैं, जो सारे जेंटल मैन सुन रहे हैं, उनको प्लीज आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि यहाँ तक आप जो पहुंची. मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, डिब्रूगढ़ असम. और मेरा बचपन बहुत ही कल्चर्ड फैमिली से बिलोंग करता है एंड गुड एक्सपोजर एंड गुड पॉजिटिविटी. हाउएवर व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड आई लॉस्ट माय डैड एंड दैट लेफ्ट आउट मी विद नो अदर ऑप्शन बिसाइड्स बीइंग अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमन विदाउट इवन हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू लूज अ इंच ऑफ कॉन्फिडेंस. उसके बाद 3-4 साल बाद आई लॉस्ट माय यंगर ब्रदर इन अ मैसिव कार एक्सीडेंट. And I could not have been able to take this second tragedy so bravely if not for my real role model in my life, my mother, who not only fit into my father's shoes perfectly, but also showed me what a self-empowered woman is. And learning from her, I grew up to be the man of the house and also, you know, the most tragic, being able to take the most tragic incident of my life when I lost my husband when I was 30 years old. या बहुत सारी मुश्किल हालात मैंने लाइफ में फेस किया है. व्हेन आई हैड एक्चुअली लॉस्ट एवरीथिंग इन माय लाइफ, द मोस्ट थ्री इंपॉर्टेंट मैन इन माय लाइफ, माय फादर, माय ब्रदर, माय हस्बैंड एंड माय डॉटर वांटेड टू बी अ इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर, आई डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन टू अ बिगर सिटी टू फुलफिल हर ड्रीम्स विदाउट इवन हैविंग वन ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ आई विल फॉलो माय हाउ आई विल रीच टुवर्ड्स माय गोल. कैसे पहुँचूंगी मैं? आई दिल्ली में बहुत ठोकर खाए एज यूजल अ बिग सिटी हैज़ टू ऑफर अस, बट नेवर बींग अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड अ स्पोर्ट्स पर्सनस मदर आई हैव नेवर लर्न टू गिव अप इन लाइफ. हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना मैंने सीखा है लाइफ में एंड दैट हैज़ एब्सोल्युटली हेल्प मी टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टिकल्स. एंड मैं यही पॉजिटिविटी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों में हाँ पहुँचाना चाहती हूँ. I can feel your energy. Yeah. So, दिल से वो और genuine person आपके सामने बैठा होता है. I don't know if you feel it. I really feel your energy and बहुत सारी दुआएं हैं. Thank you so much. मैं yeah. सुन रहे हैं. Thank you so much. हमारे इंडिया का नाम आगे भी galaxy में भी रोशन करेगा. Definitely. मैं हमेशा अपनी बेटी के लिए एक role model होना चाहती हूँ because एज अ स्पोर्ट्स पर्सन उन लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और यू फेलियर्स बहुत ज़्यादा फेस करते हैं. तो नो मैटर एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ इफ़ यू फेल कि वो अपने आप को संभाल सके और एक अपनी माँ के बारे में सोच के आगे बढ़ सके. यू नो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अब मिसेस गैलेक्सी में ये जा रही हैं उर्मी जी, तो आप क्या क्या तैयारियां करवा रही हैं, कितना परेशान कर रही हैं इनको पहले बताइए. मुझे तो दिन रात मैंने खराब करके बिल्कुल बिल्कुल आती है डंडा लेके बिल्कुल डंडा लेके नहीं, वो स्माइलिंग सो ब्यूटीफुल मोहिनी मैम आती है सपने में. मैं तो बहुत सारी तैयारियां होती है और ऐसा होता है ना कभी कभी कि जितनी मेहनत कर लो जितनी कोशिश कर लो कम ही पड़ जाती है जी. बट अब ये दिल्ली से आई हैं स्पेशली मुंबई और यहाँ पर ये अपना 10 दिन स्पेंड कर रही हैं
और आप रैंप वॉक बोलो, आप न्यूट्रिशन बोलो, फिटनेस एक्सपर्ट तो ये खुद है, तो इसमें हम ज्यादा हमारी फिटनेस और मोटिवेशनल एक्सपर्ट ही हैं, हाँ वो हम इनसे ले लेते हैं, हम इनसे सीख लेते हैं. बट यस, अलिसिया राउत इज द सुपर मॉडल ऑफ इंडिया एंड वी ऑल नो हर, शी इज एन अमेजिंग रैंप वॉक ट्रेनर एंड शी इज बीन पर्सनली ट्रेनिंग हर, पर्सनली ग्रूमिंग हर. Besides that, we have Konkana Bakshi, who has been Miss India herself, and she is working on her grooming and on her personality, on her image. We have Suman Agarwal, who is one well-known dietitian, as we all know, and she's looking into her diet personally. So yes, there are a lot of things happening in her life, and her presentation skill, she herself, I can't, you know, I have to give her credit too. She herself, she has been working personally on herself. And I'm sure जो मैंने उर्मी ऑडिशन में देखी थी उससे कुछ, हाँ जो मैंने उर्मी फिनाले स्टेज में देखी और जो मैं उर्मी आज देख रही हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हम उर्मी गैलेक्सी के स्टेज में देखेंगे, वो बोलते ना हार के रख देगी, शहर का भी नाम रोशन करके आ जाएगी. में जो बात होती है पूरे वर्ल्ड में किसी में नहीं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमारे यहाँ बहुत कैरेक्टर इंसान में अपने आप ही आ जाता है. लाइक हमारी प्लेन, किसी की लाइफ प्लेन नहीं होती, प्लेन होती है. राइट, कुछ ना कुछ गॉसिप, कुछ ना कुछ ड्रामा, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, बिकॉज़ वी लिव विद रिश्तेदार ना. आई तो कमजोर कर खानदान. इंडियन वुमेन में आई बिलीव वो दे मास्टर द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ अ इंडियन वुमेन, बिकॉज़ हमारे यहां फैमिली वैल्यूज को बहुत, डेफिनेटली कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली इज वेरी मच वैल्यूड, यू नो. सो दैट सेट्स अस अपार्ट फ्रॉम द एंटायर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आई वुड लाइक टू ऐड दैट शी इज बीन ट्रेनिंग हर डॉटर टू बी अ फ्यूचर एथलीट. कैन यू एलाबोरेट ऑन दैट? माय डॉटर इज अ इंटरनेशनल ITF टेनिस प्लेयर, एंड it's been a very very amazing journey from a very fat kid again to an international tennis player. International tennis player, tennis player. Yeah, she's mujhe bhi adopt kar lo, mujhe bhi aapki chhutti chahiye. Filhal wo US government se sponsored hai for her education and her you know tennis. I think aap abhi ban gayi ho Mrs. Galaxy ban gayi. Kya jaogi, chhodo na unko ye interview dikha dete hain, aap inke kaan mat bharo, unko interview dikha dete hain, unko isse acha candidate hai nahi. And I'm really, really proud of her because she's really done immense hard work, you know. And I'm happy that I'm being able to provide her that platform, you know. Super. To reach there. But you know what? Beauty pageants ko leke logon ko bahut stigma hai ki kya hai, aake ramp walk kar liya karke. But they don't understand how much effort it takes behind the scenes to put the show, to carry it forward. To aapke kandhon pe to aur bhi zyada responsibility hai. What is in store for Mrs. India INC aage ke liye? आगे के लिए अभी उर्मी ने जैसे कि आज अपनी कहानी बताई है और हमें पता चला है कि किस टाइप का, किस लेवल का स्ट्रेंथ एक वुमेन में होता है और क्या स्टैंडर्ड हमने रेज किए हैं या फिर हमने सेट किए हैं. तो बस इसी से ही मतलब लोगों को पता करना है कि ना हम ब्यूटी के लिए के पीछे जा रहे हैं, ना हम रैंप वॉक के पीछे जा रहे हैं. एक स्ट्रांग वुमेन जो होती है या फिर एक सॉफ्ट वुमेन भी जो होती है, वो हर चीज सीख जाती है. ब्यूटीफुल ब्यूटी अपने साथ आ जाती है, इनर ब्यूटी के साथ. अगर आप रैंप वॉक के ऊपर एम्फेसाइज करो, तो अगर आप एक गुड लर्नर हो, अगर आप एक ऑलराउंडर हो, तो आप रैंप वॉक भी सीख जाते हो. So yes, that whole package that we say is something that we are looking for, and we have fortunately got those kind of winners in our first year itself, and they are going to make a mark on international platform. Absolutely, thank you so much and all the best. हमारे यहाँ से तो लड़के तैयार हैं, जैसे आप वहाँ जीतोगे, मैं अपनी डाइट तोड़ के, कीटो तोड़ के बेसन का लड्डू खाऊंगी आपके लिए. Thank you so much, मलिका. Thank you. आप कहाँ पार्टी देंगे जब ये जीत के आएंगे? बताइए. बताओ, यहीं पे दे देंगे, रेडियो सिटी के ऑफिस में. टेक मी टू अ नाइस प्लेस. ठीक है, बाहर जाएंगे? डेफिनेटली डेफिनेटली, सारे डाइट नहीं करेंगे. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग आउट सच स्टोरीज, सच वुमेन. एक अगर आप ही का दिमाग वैसा है कि आप स्टोरीज ढूंढ रहे हो और करेज ढूंढ रहे हो, तभी आप ही लेके आए. डेफिनेटली कुडोस टू यू फॉर नॉट फॉलिंग इनटू दैट ट्रैप कि मॉडल लड़कियां चाहिए, मॉडल लड़कियां चाहिए. बट अलग आप बताइए, हम इंडिया में होकर हमने बचपन से एक औरत में क्या देखा है, आप बताओ. भारतीय औरत में क्या है? स्ट्रेंथ है, पेशेंस है, सहनशीलता है, जिसे हम बोलते हैं. सुपर वुमन है, सुपर वुमन है, हाथ हाथ हाथ, और वो हाईलाइट तो करना ही है ना हमें. और मिसेस इंडिया से अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है जहाँ पे एक औरत की शक्ति हाईलाइट हो सकती है? ब्यूटी तो बाय डिफॉल्ट दी है भगवान ने सबको.
कि हर इंसान अपने तरीके से ब्यूटीफुल होता है डेफिनेटली. एंड इसमें मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी अबाउट मिसेज इंडिया इंक. मिसेज इंडिया इंक हैज़ एक्चुअली चेंज माई एंटायर लाइफ. इट हैज़ मेड मी बॉर्न एज अ न्यू पर्सन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट हैज़ गिवन मी अ न्यू विजन इन लाइफ एंड अ न्यू एम कि मैं हर उस औरत के पास पहुँच दैट आई एम बीइंग एबल टू रीच आउट टू एवरी वुमेन आउट देयर टू हेल्प देम टू बिलीव इन देमसेल्फ एंड टू हैव द करेज टू फॉलो देयर ड्रीम्स. और आपने किया है तो आप अनदर रोल मॉडल ऐसे बोल ही रहे. थैंक यू सो मच. या थैंक यू.